कल हुई आईपीएल नीलामी में कई खिलाड़ी करोड़ों में बिके और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। सियासत का भी खेल कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम यहाँ किसी नेता के बिकने या खरीदे जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेताओं की नगरी में सक्रिय रहने वाले इस एजेंडाबाज और कभी कभी इस नगरी में ब्रोकर की भूमिका निभाने वाले पुराने खिलाड़ी राजदीप सरदेसाई की बात कर रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा लग रहा है कि राजदीप सरदेसाई को शायद ही अब कोई खरीदार मिल पाएगा। चुनाव परिणाम में महाविकास अघाड़ी के स्ट्राइक रेट की भले ही दुर्गति हो गई हो, लेकिन राजदीप का अपने मालिक के लिए बैटिंग करने का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में भी 100% रहा था। ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना हो या फिर अपने साहिब को पर्सनल मैसेज करके इनपुट देना हो, राजदीप ने महाविकास अघाड़ी को जिताने के अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, हमारा काम किसी पत्रकार या चुनाव विश्लेषक को निशाना बनाना नहीं है और राजदीप तो इनमें से दोनों ही नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि मीडिया के नाम पर जनता को एक विशेष पार्टी का एजेंडा परोस रहे राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों पर सवाल उठाए जाएं, रोक लगाई जाए। जनता को इनकी पहचान करवानी आवश्यक है और हम यही कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे लोगों की पहचान वर्षों पहले ही हो गई थी, लेकिन ये इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी की सोनिया गांधी के प्रति वफादारी ही मानी जा सकती है कि पिछले कई वर्षों से देश में हो रही अलग अलग घटनाओं पर बायस्ड होकर राजदीप स्टूडियो से सोशल मीडिया से अपना प्रोपोगंडा बेचते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें टीवी पर प्राइम टाइम में जगह मिलती रही। उनके शो में कांग्रेस प्रवक्ता अपने आधिकारिक पद के साथ बैठते हैं और राजदीप बिना कांग्रेस का पटका पहने हुए। ऐसा कहने का सबसे बड़ा कारण और ताजा उदाहरण तो ये किताब है। लिखने को राजदीप सरदेसाई ने लगभग 500 पन्नों की किताब लिखी है जिसमें 14 चैप्टर बनाए गए हैं, लेकिन आप किताब को पढ़ने जाओगे तो हर एक पेज पर या तो राजदीप सरदेसाई के लेखन की कुटिल चालें नजर आएंगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खींच। और इस प्रोपेगेंडा की कीमत उन्होंने रखी है 800। सही बात है राजदीप जी, महंगाई तो बढ़ ही गई है, प्रोपेगेंडा खरीदने के लिए भी इतनी कीमत देनी पड़ रही है। इसी किताब का 5वां चैप्टर है खेला होबे पवार साहब और ममता दीदी। अब देखिए वक्त का खेल, 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित होकर राजदीप ने अपनी किताब लिखी और इसमें अपने फेवरेट नेता शरद पवार को महामानव दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आज उसी महाराष्ट्र में 84 साल के शरद पवार की जो दुर्गति हुई है, ये तो स्वयं शरद पवार ने भी सपने में नहीं सोचा था। और राजदीप ने जिन देवेंद्र फडणवीस का मजाक सुबह 5 बजे शपथ लेने के लिए बनाया था, आज वही देवेंद्र फडणवीस वापस लौटे हैं और भी बड़े बहुमत के साथ। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। चैप्टर में सरदेसाई ने 2019 महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद जो भी घटनाक्रम शिवसेना भाजपा के बीच हुआ और इसके बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, इस पर लिखा है। राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि जैसे ही उद्धव ठाकरे का सीएम बनना तय हुआ, मैंने उद्धव ठाकरे को गुड लक मैसेज भेजा और ठाकरे ने थैंक यू इमोजी के साथ रिप्लाई किया। यही राजदीप थे जो हाल के चुनाव में खुलेआम कह रहे थे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन पर चुनाव से जुड़ी रणनीति बनाने के लिए इनपुट भेजे। जो बात आपने मुझे एक क्लिप भेजी थी, आप अमरावती में गए थे किसी एक घर में, हालत बताइए जरा, क्या हालत थी? बुरी है। और यही राजदीप हैं जिन्होंने इस किताब में गोदी मीडिया नाम से एक चैप्टर लिख डाला है। अब आप स्वयं सोचिए कि पूरी भारतीय मीडिया इंडस्ट्री में राजदीप जैसे दोगलेपन वाला व्यक्ति कोई और हो सकता है क्या? इस दोगलेपन की पुष्टि राजदीप स्वयं के लेखन में कर रहे हैं। शरद पवार के लिए उन्होंने लिखा है, शेयर रेजिलियंस इज आर्ग्युएबली हिज बिगेस्ट एसेट। Pawar is a man of few words and inscrutable mind. An image of the octogenarian Pawar addressing a public meeting in the pouring rain in Satara had gone viral. A symbol of his indefatigable spirit. Wah Rajdeep wah! तुमने उम्रें गुजार दी शरद पवार को चाणक्य बताने में और जनता ने 10 सीट पर समेट कर आप दोनों को जगह दिखा दी। शरद पवार हमेशा से एक व्यापारी ही थे जिनकी दुकान पर अब पूरी तरह से ताला लग चुका है। राजदीप ने किताब में यह भी बताया है कि कैसे शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी बनाने में अहम भूमिका निभाई। पहले वे सोनिया गांधी के पास गए और फिर उद्धव ठाकरे के साथ बात करके गठबंधन के लिए तैयार किया। इन सब के बीच में राजदीप सरदेसाई ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि सोनिया गांधी गुट का सदस्य होने के लिए वफादारी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ये तो राजदीप से बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता, क्योंकि इसी का परिचय तो वे इस किताब में दे रहे हैं जहाँ वे सवाल उठा रहे हैं कि कैसे देवेंद्र फडणवीस पहले अजीत पवार पर आरोप लगाते थे और बाद में एक साथ हो लिए। लेकिन राजदीप सरदेसाई
देसाई ने अपने मालिक शरद पवार और उद्धव ठाकरे से तो कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि कैसे जिंदगी भर शरद पवार स्वयं को सोनिया गांधी और कांग्रेस से अलग दिखाते रहे, फिर भी हमेशा कांग्रेस के चरणों में ही सिमटे रहे। और उद्धव ठाकरे जो भाजपा के नाम पर गठबंधन में जीते थे, हिंदुत्व की राजनीति से वोट बटोरे और बाद में देश में यू टर्न का पर्याय बन गए। दरअसल राजदीप के लिखने का उद्देश्य मात्र भाजपा को सत्ता के लिए लालायित दिखाना अधिक लग रहा है। राजदीप ने यहां तक भी लिख दिया कि अमित शाह ने कहा कि शपथ लेनी है तो रात को ही शपथ ले लो, सुबह का इंतजार मत करो। अब क्या ये सुनने के लिए राजदीप अमित शाह के कमरे में मौजूद थे? राजदीप ने तो ये भी छापा है कि शिवसेना से गठबंधन ना होने का कारण अमित शाह की बॉसी अप्रोच थी और अमित शाह ने कहा ये बाल ठाकरे का जमाना नहीं है। इस किताब में ऐसी कई मनोहर कहानियां हैं। दरअसल राजदीप की समस्या अमित शाह से ये है कि जब से अमित शाह दिल्ली आए हैं, राजदीप के असल मालिकों की नींद उड़ी है। तभी तो राजदीप लिखते हैं, Ever since he had risen to prominence on the national political stage in 2014, the home minister was eulogized for his Chanakya Niti by media cheerleaders. Maharashtra 2019 was a rare instance of his political strategy stumbling and it had left him eager for revenge. जी हाँ, राजदीप सरदेसाई ने शब्द यूज किया है मीडिया चेयरलीडर्स। अच्छा, तो फिर चुनाव में कांग्रेस के जीतने के बाद चेयरलीडर्स की तरह स्टूडियो में नाचने वालों को क्या कहना चाहिए? मीडिया की बार डांसर। हो सकता है बार डांसर के तमगे से राजदीप नाराज भी हो सकते हैं कि उनके मालिक का तमगा उनसे छीना जा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि गोदी मीडिया जैसे शब्द गढ़ने वालों के स्वयं के कुकर्म जनता के सामने रखे जाएं। पत्रकार के भेष में चाटुकारिता से राज्यसभा सीट हासिल करने वाले परिवार फिर भी पत्रकार ही बने रहते हैं, ये भारत के मीडिया में ही संभव है। अमेरिका में एलॉन मस्क ने बायस्ड मीडिया के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है, भारत में हम भी उसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक राजदीप सरदेसाई जैसे लोग टीवी पर आकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए माफी नहीं मांग लेते। जय हिंद।